हेलो दोस्तों, मैं राहुल। हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि बिग बॉस का ये हफ्ता जो है काफी इंटरेस्टिंग और काफी लड़ाई झगड़ा और काफी कुछ देखने को मिला है। तो वहीं आपको बता देते हैं कि इस वीकेंड का वार भी इस हफ्ते का काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। सलमान खान काफी कुछ सबको सुनाते हुए दिखाई देंगे। पर आपको बिग बॉस से जो खबर आ रही है वो आपको बताते चलूं कि बिग बॉस में सलमान खान वीकेंड के वार पर लेंगे पारस चावड़ा की क्लास। जी हां, जैसा कि आपको पता ही होगा कि पारस चावड़ा ने जो है सलमान खान पर उंगली उठाई थी कि पारस चावड़ा को वो गलत दिखा रहे हैं, और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर मैं गलत दिख रहा हूं तो मेरे को शो से निकाल दें, भाई साफ बोल दें। तो पारस चावड़ा ने ये बात ऑन स्क्रीन कैमरा पे बोली थी। इसके बावजूद भी पारस चावड़ा जो है सलमान खान से खुश नहीं है, और इनका ग्रुप जो है पारस चावड़ा का ये बोलते हुए नजर आता है कि वीकेंड के वार पर सलमान खान हमें ही गलत करार दे देंगे। तो इस बात पर सलमान खान पारस चावड़ा को कटेरे में बुलाएंगे और उनको बोलेंगे कि मैं आपके साथ क्या गलत कर रहा हूं? आप जो देख कर रहे हो घर में वो ही आपके दर्शकों को दिखाई दे रहा है। अगर मैं आपके साथ गलत करूंगा तो आपको ज्यादा वोट आएंगे और आपके दर्शक आपको बचा लेंगे, आपके फैन फॉलोइंग भी ज्यादा बचा लेगी अगर मैं कहीं पे गलत करता हुआ दिखाई दूंगा। पर आप जो कर रहे हो घर में वही दिखाई देता है और मैं उसी के बारे में बात करता हूं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि सलमान खान ये भी कहेंगे कि पिछले हफ्ते भी आपको कॉलर ऑफ द वीक ने जो है आपको बोला था कि आप गलत कर रहे हो, तो वो काम कर रहे हो, क्योंकि मैं ही सिर्फ गलत नहीं बोल रहा आपको, आप जो कर रहे हो वही दिखाई दे रहा है, वही दर्शक आपसे सवाल कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी एक बंदे को सपोर्ट कर रहा हूँ, यहाँ सब बराबर है। जो अच्छा करेगा उसकी तारीफ होगी और जो बुरा करेगा उसकी डांट भी पड़ेगी। जिसके बाद पारस चावड़ा जो है सलमान खान को सॉरी बोलेंगे और ये मामला वहीं खत्म हो जाएगा और पारस चावड़ा वहीं अपनी जगह पर जाके बैठ जाएंगे। तो जी हाँ, ये थी अपडेट बिग बॉस में सलमान खान ने ली पारस चावड़ा की क्लास। आप किसको सपोर्ट करते हैं, आपके ख्याल से कौन हो सकता है बिग बॉस सीजन 13 का विनर, ये भी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया।